बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें दिखाया जा रहा है कि एक सरकारी गाड़ी में यानी गवर्नर की गाड़ी में एक कुत्ता जा रहा है जिसे प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। गलत और झूठ पर मबनी यह वीडियो है। एक्चुअली उस गाड़ी के अंदर मेरी फैमिली मौजूद थी, मेरी बेटी मेरी वाइफ उस गाड़ी में थी जिसकी वीडियो बनाई गई, और एक इंतहाई मैं समझता हूँ कि गैर संजीदा हरकत की गई और बुरी हरकत की गई कि किसी की फैमिली की वीडियो बनाई जाए। और वो पीछे हुए ताकि उनकी वीडियो इसमें ना आए, और देख रहे थे कि बार बार वो बराबर गाड़ी लाकर उसकी वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे थे। वो जो जिसको प्रोटोकॉल कह रहे हैं वो फैमिली की प्रोटेक्शन है जो गवर्नर की फैमिली को दी जाती है, और वो मेरी फैमिली के साथ पुलिस की मोबाइल चलती है जिसमें अगर अंदर कुत्ता मौजूद है तो उसका कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ये कुत्ते को घुमाने के लिए गाड़ी इस्तेमाल नहीं हो रही थी। इस मुल्क के अंदर जो साफ वीडियो बना रहे थे वो खुद एक करप्ट और ऐसी हुकूमत का हिस्सा है जो कि बे इंतहा इल्जाम की संगीन जद में है। बजाय इसके कि वो अपने इल्जाम को साबित करें कि वो गलत हैं, बजाय इसके कि वो अपने इल्जाम को अदालतों में जाके साबित करें या अवाम के सामने आके साबित करें, वो दूसरे की फैमिलियों की वीडियो बनाकर ये साबित करना चाहते हैं कि हर चीज़ गलत हो रही है, लिहाजा अगर वो गलत है तो वो भी ठीक है। मैं ये बताना चाहता हूँ अपनी कौम को कि हम एक चेंज के लिए आए हैं, और वो चेंज यहाँ पर सामने नज़र आ रहा है। हमने हर चीज़ को तब्दील करने की कोशिश की है और कर रहे हैं, और इंशाल्लाह जब तक दम में दम है, जब तक इमरान खान की हुकूमत है इस मुल्क के अंदर, ये चेंज और तब्दीली आकर रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।